Hello everyone, welcome back to my channel. Most of the students को doubt है psychology में unit cognitive process. ये unit आपकी most important और साथ ही साथ most difficult unit है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स दे रखे हैं. टोटल 6 to 7 सब टॉपिक्स है जिनको कवर अप करना बहुत मुश्किल है. अगर मैं अपने बताऊँ तो मैंने कवर अप नहीं करा था, इसीलिए cognitive process के मैंने important questions याद करे थे. अगर मैं बताऊँ बाकी यूनिट्स एज कम्पेयर टू कॉग्निटिव बहुत छोटी है, उसमें कंटेंट कम है, इसलिए हम लोग उसको ईजिली कवर अप कर सकते हैं, बट कॉग्निटिव प्रोसेस को कवर अप करना मुश्किल है. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का बुक आशवानी की है. और साथ में अगर मैं बात करूँ तो हम जो डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे कॉग्निटिव प्रोसेस के. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल मत मिस करिएगा. अगर आप फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट या फिर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है साइकोलॉजी में, फिर आपको पूरा सिलेबस अपना प्रिपेयर करना होगा. अगर मैं बताऊँ तो मैंने कॉग्निटिव में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़े थे. क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव को मैं मेमोराइज नहीं कर पा रही थी एज कम्पेयर टू ऑल चैप्टर. अगर हम कॉग्निटिव को पकड़ रहे थे तो हमारे बाकी सारे चैप्टर हमसे स्किप हो रहे थे. इस वजह से मैंने कॉग्निटिव के सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे. हम यही कोशिश करते कि हम जितना भी पोर्शन उसको कवर अप कर ले, राइट. इसीलिए इम्पॉर्टेंट में उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट करे गए, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 6 to 7 पॉइंट्स हैं, जैसे कि अटेंशन है, परसेप्शन है, इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, मेमोरी है, थिंकिंग है, एप्टीट्यूड है. तो आपके टोटल 7 है. आप इन 7 की डेफिनेशन लर्न कर लीजिए विद ऑथर नेम, क्योंकि ये ऐसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हो लेकिन इसको मत स्किप करिएगा. अब आप देखिए जो आपका यूनिट 6 कॉग्निटिव प्रोसेस साइकोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे हैं आशवानी की बुक से, तो आपने सबसे पहले 7 की डेफिनेशन विद ऑथर नेम लर्न कर लिया. अब आपका एक काम क्लियर हो गया. अटेंशन में आपको क्या लर्न करना है? सिर्फ उसके टाइप्स लर्न करने हैं. अटेंशन में क्या लर्न करना है? उसके टाइप्स लर्न करने हैं. बस आपका अटेंशन क्लियर, अटेंशन में टाइप्स, दैट्स इट. तो आपने देख लिया अटेंशन की डेफिनेशन, टाइप्स कर लिया, अटेंशन कंप्लीट हो गया. परसेप्शन, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन में ज़्यादा आता है. जैसे कि परसेप्शन में सबसे पहले आप डेफिनेशन करोगे, डेफिनेशन के बाद में प्रिंसिपल्स करोगे, प्रिंसिपल्स में ये चार्ट बनाओगे, प्रिंसिपल के भी टाइप्स जो आते हैं वो आप करोगे, उसको करने के बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग करोगे, एरर इन परसेप्शन करोगे. इनडायरेक्टली अटेंशन में सिर्फ आप टाइप्स कर लो, परसेप्शन आपको पूरा करना है. परसेप्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपने डेफिनेशन ऑथर नेम लर्न कर लिया होगा. अब इंटेलिजेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन लर्न करना है. इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन के बाद में फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद में टेबल, जिससे आप स्टैनफोर्ड बिनेट ने जो हम लोगों को फॉर्मूला देता है इससे आप क्लासिफाई कर सको कि कौन सा इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू IQ आता है, इंटेलिजेंस क्वेटेंट के अकॉर्डिंग. तो आपको ये करना है. अटेंशन में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और टाइप्स, परसेप्शन आपको फुल्ली करना है क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग एरर इन परसेप्शन और उसके प्रिंसिपल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको परसेप्शन से एक क्वेश्चन साइकोलॉजी में मिलेगा, इसीलिए परसेप्शन पे फुल फोकस करेगा. इंटेलिजेंस में आपको सिर्फ 2 टॉपिक पे ध्यान देना है, दैट्स इट. सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन ऑथर नेम करना है, उसको मैं नहीं बता रही. इसमें आपको क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना है, साथ में जो इसका फॉर्मूला है इंटेलिजेंस क्वेटेंट का वो उसको कवर अप करना है. फॉर्मूला का इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने ये लर्न कर लिया IQ = MA/CA/100. आपको ये पता होना चाहिए MA क्या है, CA क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. साथ ही साथ उसकी टेबल, टेबल में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे बताओगे कि किस लेवल का IQ है उसका, नॉर्मल है, अंडर है, या फिर ओवर, या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट है. तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए. तो ये आपका इंटेलिजेंस का है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लर्निंग की, तो सेम अगर मैं लर्निंग बताऊँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑथर नेम वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में लर्निंग के आपके फैक्टर्स, लर्निंग के 3 फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहला है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर, नेक्स्ट आपका आएगा टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, थर्ड आपका आएगा मैन एंड मटेरियल. तो ये 3 फैक्टर आपको एज इट इज लर्न करने हैं. ये हम डिस्कस कर रहे हैं लर्निंग का. तो लर्निंग में तो आपको इतना पता चल गया कि आपको क्या करना है, लर्निंग में ये करना है और लॉ करना है. लॉज ऑफ लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और हमारे में लॉज ऑफ लर्निंग भी आया था, ये देखिए. तो लर्निंग में आपको क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग में सबसे पहले डेफिनेशन ऑथर करना ही है. फिर आपको इसमें सिर्फ 2 चीज़ करनी है, एक लॉ ऑफ लर्निंग करनी है और दूसरा आपको फैक्टर्स करने हैं. फैक्टर्स भी 3 में आ रहे हैं, वो 3 करने हैं. और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है थ्योरीज़ का, तो इसमें थ्योरीज़ नहीं आएंगी. थ्योरीज़ आपकी आएंगी डेवलपमेंटल से आ सकती है थ्योरीज़, या फिर आपकी आ सकती है यूनिट फाइव पर्सनैलिटी से, जिसमें एरिक एरिक्सन थ्योरी है, वो इम्पॉर्टेंट है आपकी. नेक्स्ट आपका मेमोरी, मेमोरी की आपको नॉर्मली
डेफिनेशन लर्न करनी है, ऑथर नेम, डेफिनेशन तो ऑथर नेम बिल्कुल कर लीजिएगा। मेमोरी के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जनरली शॉर्ट में भी है, अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इमीडिएट होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, दैट्स इट। उसके साथ ही साथ आप उसमें जब भी लिखोगे ना तो एग्जाम्पल जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि आप साइकोलॉजी लिख रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजी में एग्जाम्पल मेन होता है। तो हम लोगों ने अपना, अगर मैं बात करूँ मेमोरी की, तो मेमोरी में डेफिनेशन ऑथर नेम कन्फर्म ही है, फिर टाइप्स लर्न कर लीजिएगा और एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल के साथ में आपको फैक्टर्स लर्न करने हैं ना, बस आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है। और अगर मैं बताऊँ थ्योरीज की, तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग इंटेलिजेंस की मत देखिएगा, थ्योरीज ऑफ मेमोरी की देख सकते हो अगर मन हो तो, वरना ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई एक थ्योरी आती है, दैट्स इट। फॉरगेटिंग में से कुछ नहीं आना है, डेफिनेशन और वो लर्न कर लो, एप्टीट्यूड से कुछ नहीं आना है। तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। डेफिनेशंस ऑथर नेम को अब से डेली रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में एक भी डेफिनेशन मिस नहीं होगी। अगर मैं बताऊँ अभी भी मुझे मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन लर्न है, बुक बंद है, अभी भी मैं बता सकती हूँ मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। एंड एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस, ये डेफिनेशन हम लोगों को कार्ल मेनेंगर ने दी थी। तो ये डेफिनेशन इस तरीके से आपको भी लर्न करनी होगी, डेली रिवाइज करिए ऑथर नेम के साथ में। ऐसी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है, मुझे सेल्फ एम्पावरमेंट की भी लर्न है, साइकोलॉजी की भी लर्न है, पर्सनालिटी की भी लर्न है, ये मोस्ट कॉमन है। तो इस वजह से मैंने डेली रिवाइज करा था, इसलिए मैं कह रही हूँ रिवाइज कर दीजिए। आप जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो ऑथर नेम में, डेफिनेशन साइकोलॉजी की सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी की साइकोलॉजी में, तो ये स्किप हो जाएंगे आपके। डेली प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है कॉग्निटिव प्रोसेस, उसके मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, अब उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वर्क करने का काम आपका है। हाँ, परसेप्शन मैंने पूरा बताया, क्योंकि परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगी। इसलिए मत कहना कि परसेप्शन तो आपने पूरा बता दी, परसेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने अगर आपका जो कंटेंट कम करा है तो वो अटेंशन से करा है, इंटेलिजेंस से करा है, लर्निंग से करा है, मेमोरी से करा है। और मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ थिंकिंग एप्टीट्यूड और फॉरगेटिंग आपके में नहीं आएगा, और अगर आगे इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ वो सिर्फ डेफिनेशन और उसके ऑथर नेम लिख दीजिएगा, दैट्स इट। सेम आपको ये प्रोसेस, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसकी डेफिनेशन ऑथर नेम, आपको सबकी याद हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हो। रेस्ट ऑफ यूनिट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके साइकोलॉजी में। अगर आपको कोई भी और यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या टॉपिक्स चाहिए, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया साइकोलॉजी में, तो आज के दिन अपनी साइकोलॉजी पूरी कंप्लीट कर लो। जो भी मतलब डाउट से रिलेटेड हो कि कोई यूनिट नहीं समझ में आया, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई थ्योरी नहीं समझ में आई, इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी जितना भी पोर्शन है ना बहुत ही ईजी है। एक बार आप बुक उठा के देखो आपको क्या नहीं आ रहा है साइकोलॉजी के, जो भी डाउट्स हैं आप बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, आपके डाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।